गाजीपुर थाना से इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ चल रहा है अभियान, शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति कुर्क की गई, 4,79,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां माफियाओं के खिलाफ चल रहा है एक अभियान, जिसके चलते शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति कुर्क की गई, 4,79,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां माफियाओं के खिलाफ चल रहा है एक अभियान, शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति कुर्क की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो पवन, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है? मैम, प्राप्त जानकारी के अनुसार ये इनकी पहली कुर्की नहीं है, इसके पहले भी इनकी कुर्की की जा चुकी है और ये पूर्वांचल के सबसे बड़े शिक्षा माफिया के रूप में इनकी गिनती होती है। और ये थाना नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेहउल्लापुर स्थित महेंद्र कुशवाहा पुत्र कुशवाहा निवासी रघुनाथपुर छावनी रहे, जिनकी संपत्ति आज जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क की गई। जी, तो और क्या जी कार्रवाई, जिस तरीके से संपत्ति कुर्क की गई है उसके अलावा भी और क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जिस जगह पे छापेमारी की गई है, क्या उस जगह को सील भी किया गया है? जी मैम, बिल्कुल सील किया गया है। इनके इनको जो है क्या कहते हैं, महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सामूहिक नकल कराने, पर्चा आउट कराने आदि के संबंध में गाजीपुर सदर कोतवाली में 77/75/16 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसकी कीमत सब स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 4,80,00,000 रुपए है, जिसे आज कुर्क किया गया। जी, और कौन कौन से बड़े नाम सामने आने की उम्मीद बताई जा रही है, कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं? जी फिलहाल तो मैम अभी महेंद्र कुशवाहा के ही साथी जो है, जैसा की आप देख सकती है कि उनका भी नाम इसमें लिखा हुआ है, फिलहाल तो यही चल रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य जानकारी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां माफियाओं पर चल रहा है विशेष अभियान।